मेरा नाम है स्पर्श महाजन। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरे दिमाग में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और वो बहुत सिंपल है। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये स्पर्श हैक्स का मिनी ब्लूटूथ बूमबॉक्स स्पीकर। फ्रेंड्स, इस स्पीकर के अंदर आप इसका ब्लूटूथ अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें USB और ऑक्सिलरी भी है और आप इसमें FM रेडियो भी सुन सकते हो। तो आप जल्दी देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये ब्लूटूथ एम्पलीफायर सर्किट। इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अमेज़ॉन पे इजली अवेलेबल है और हमने ये सिर्फ 149 रुपीज़ का बाय किया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि ये USB, मेमोरी कार्ड, ऑक्सिलरी, वॉल्यूम हाई लो, मोड चेंज और इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ भी है। और आप यहाँ से स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो, एंटीना, और यहाँ से और पावर इसमें डाल सकते हो। और इसमें यहाँ पे माइक का भी ऑप्शन है तो आप माइक भी अटैच कर सकते हो। और दूसरी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ये पुराना स्पीकर, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे भी अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो। अब हम इन्हें सोल्डर कर लेंगे। सोल्डर करने के लिए मैं अपने पापा की हेल्प ले रहा हूँ बिकॉज सोल्डर इज डेंजरस। फ्रेंड्स, हमने सर्किट को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया है। हमने स्पीकर के टर्मिनल के ऊपर वायर कनेक्ट कर ली और वायर के दूसरे एंड को हमने स्पीकर वाले पोर्ट में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने एक एंटीना वायर भी कनेक्ट कर ली है। माई सर्किट इज रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक इट्स फ्रेम। तो फ्रेम बनाने के लिए हमने ये एक कार्डबोर्ड का रोल लिया है और इसमें से हम इसको कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम अपना सर्किट लेंगे और सबसे पहले तो हम एंटीना वायर को ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम सर्किट को यहाँ से लेके जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इसे बहुत डेलिकेटली यूज़ करना है बिकॉज ये देखो हमने अपने ब्लूटूथ सर्किट को यहाँ पे फिट कर लिया है और स्पीकर को यहाँ सेंटर में। अब हम स्पीकर को हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे। हमने कार्डबोर्ड का पीस कट किया है और इसमें ये एक स्लॉट कट कर लिया है और हमने ब्लैक क्लॉथ भी लिया है। इस कार्डबोर्ड के पीस को हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने ब्लूटूथ सर्किट को कार्डबोर्ड से कवर कर लिया है और इसके कनेक्टिंग वाले एरियाज को छोड़ दिया है ताकि हम कनेक्ट कर सकें चीज़ें। हमने एंटीना वायर को बाहर छोड़ा है ताकि वो सिग्नल्स को क्लियरली कैच कर सकें। अब जैसे हमने यहाँ पे कवर किया है वैसे ही हम यहाँ पे इसे कवर भी कर लेंगे और हमने ये जो पीस बनाया था इसे हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब हमने कार्डबोर्ड की स्ट्रिप कट की है और इसे हम यहाँ साइड्स पे रैप कर लेंगे। अब हमने कार्डबोर्ड के 2 पीसेस कट किए हैं और अब हम इन्हें यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा स्पीकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लेकिन हमारे हर प्रोजेक्ट की तरह हमें इसके ऊपर अपना स्पर्श हैक्स का लोगो भी तो लगाना है। तो आओ स्पर्श हैक्स का लोगो लगाते हैं इसके ऊपर। नाउ इट्स पेंटिंग टाइम। हम इस कार्डबोर्ड को पेंट कर लेंगे।
फ्रेंड्स हमारा स्पर्श हैक्स का स्पीकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आओ इसे टेस्ट करते हैं। हमने ये फ़ोन चार्जर लिया है और इसकी वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्पीकर फोन चार्जर से ही ऑन हो जाता है। ब्लूटूथ मोड। तो फ्रेंड्स इसका ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया है। अब हम करेंगे पेयरिंग डिवाइस। पेयर्ड। तो ये पेयर हो गया है। अब हम यूट्यूब पे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चला के देखते हैं। फ्रेंड्स देखो इसमें कितनी क्लियर आवाज आ रही है। हम इसमें ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स दिस इज सो कूल। इसमें तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है एंड एवरी बीट। अब फ्रेंड्स इसको FN मोड पे लेके जाने के लिए हम इसे दबा के रखेंगे। तो जब मैं दबा के रखता हूँ तो FN मोड ऑन हो जाता है और आप इसमें चैनल भी चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स ऑक्स मोड पे मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने अपने स्पीकर में ऑक्स केबल भी कनेक्ट कर लिया है और इसका दूसरा एंड मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया है। तो आप देखते हैं इसमें आवाज़ कैसे आती है। मैं स्पर्श हैक्स की वीडियो चला रहा हूँ। फ्रेंड्स देखो वॉइस कितनी क्लियर आ रही है। फ्रेंड्स आपको याद है कि इसमें USB और मेमोरी कार्ड भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स था ना ये एक इजी प्रोजेक्ट। आप भी जल्दी से बनाओ और फोटोज हमारे साथ फेसबुक पे शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।